लेकिन आज के समय में हम लोग, क्योंकि भारत अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ईसा चुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना, तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को दबा दिया, रामायण को केवल किताब रख दिया, ना कि उसे केस स्टडी में बता दिया, जबकि हार्वर्ड्स ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमारे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब, हम लोग को थरिया थमा दिया, तुम रामायण पे लड़, तुम महाभारत पे लड़, हम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, आज भी आप लोग समझिए इस चीज को। और दूसरा देखिए, आप आगे हर चीज को अगर आप देखेंगे, बहुत सारा चीज महाभारत उसमें देखेंगे आप, रावण मारा गया क्यों, अपने भाई को क्या किया था, बता दिया था, जबकि रावण नहीं मारा जाता अगर वो अपने भाई को नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत। इसलिए ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि अगर आप किसी राज को चाहते हैं छुपा लेना, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को ना बताएं। क्योंकि अगर आप अपने करीबी को कोई राज बताते हैं तो करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है जी, बड़ा बड़ा लंका जलाया गया, ये हुआ ये सारा चीज। लेकिन जब वनवास काट के जब वो घर आए, तो घर पे आए तो सबको पता है कि सीता जी 83 दिन तक लंका में थी। लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच भी करता है तो भस्म हो जाएगा, था कि नहीं था? पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची तो राम जी लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सवाल उठाया गया था कि नहीं उठा? तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को, जगत जननी माँ सीता को, वो अग्नि परीक्षा में बैठाए। लेकिन समाज में आकर उन्होंने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है, एकदम पवित्र। भी बोलता है मुझे आग लगाने वालों, जरा ये बताओ इस भीड़ में राम कौन है? लेकिन हम लोग दशहरे में उस रावण को जलाते हैं। हकीकत देखिएगा तो उससे नीच औधा आदमी आज हम लोग बन के बैठे, उठाने की नहीं थी, लोगों ने भगवान पर उंगली उठा दिया, आप पे सवाल उठाएंगे। लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन की आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करें। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, किसने? हाँ भाई साहब, ये 200 साल जो अंग्रेज गए सब ना, अंग्रेज भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। वो लोग को पता था कि भाई साहब तलवार की ताकत से, देखिए मुगल जब आए थे सब तो तलवार से लोगों को काटे थे सब, और अंग्रेज आए सब तो कलम से लोगों को काटा गया।